does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल शाम को ना थोड़ी सी सब्जी लेके आए थे। कल स्विम क्लास होता है बच्चों का, तो मोस्टली हम चले जाते हैं वॉलमार्ट या फिर सुपर स्टोर वापस आते टाइम, और थोड़ी बहुत सब्जी लेके आ जाते हैं। तो कैरेट ना खुले में नहीं मिलता है, ऐसे पैकेट में ही मिलता है और काफ़ी सारा होता है। वैसे तो मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली कैरेट यूज़ करती हूँ, चीला वगैरह बनाती हूँ ना बच्चों के लिए, या फिर एज अ सैलड भी खा लेते हैं, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं थोड़े से कैरेट ना छील के ऐसे जार में पानी भर के इसमें रख देती हूँ। मैंने पहले भी काफ़ी बारी शेयर किया है कि इस तरह से आप रखोगे ना तो लंबे टाइम तक आपके कैरेट फ्रेश रहते हैं। सिर्फ आपको छील लेना है और नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट कट करके और पानी में डाल के रख दो। पूरा डिप हो जाना चाहिए और अराउंड 10 to 15 डेज में पानी चेंज कर लेना। फिर आप देखना काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। वैसे ही सेलरी होता है ना, वो भी आप पानी में डिप करके रख दो, लंबे टाइम तक चलता है। काफ़ी टाइम से फ्रिज भी क्लीन नहीं किया था, तो मॉर्निंग में खाना बनाते बनाते फ्रिज भी आधा क्लीन हो चुका है। तो साइड के ये रैक्स होते हैं ना, बस इसको वॉश करके लगाना है। फ्रिज का काम तो हो गया, बट मुझे पैंट्री को बहुत टाइम से ना ऑर्गेनाइज करना था। ऑर्गेनाइज मैंने कर लिया था जब हम आए थे, बट जब आप किसी स्पेस को यूज़ करने लगते हो ना, तब आपको पता चलता है कि जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया है वो फंक्शनल कितना है, आपके काम को कितना ईजी बनाता है। और जो मेरे स्पेस पे वर्क करेगा शायद वो आपके स्पेस पे वर्क ना करे, क्योंकि स्पेस अलग है, जगह अलग है और सामान अलग है। और होम ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने एक स्पेस को ऑर्गेनाइज कर दिया, बस वो हो गया फाइनल, अब कुछ चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम आप उस स्पेस को बहुत बारी डिफरेंट तरह से ऑर्गेनाइज करते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो प्रिंस जॉर्ज वाले घर में हमने पैंट्री को कितनी बारी ऑर्गेनाइज किया था, है ना, और हर बारी कुछ बेहतर ही नज़र आता है। तो बेसिकली मुझे ना एक स्पेस क्रिएट करना है फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स मैं बाहर रखती हूँ उसके लिए। मैं विंडो साइड पे फ्रूट्स नहीं रख सकती क्योंकि धूप आती है, और अब तो समर्स आने वाले हैं, आ ही गए हैं। आज बहुत अच्छा वेदर था, लाइक जैकेट पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो गर्मियों में तो धूप और भी ज़्यादा आएगी, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। कुछ एक वेजिटेबल्स भी फ्रिज में नहीं रख सकते, आलू प्याज, और मैंने रिसेंटली ना टमाटर भी बाहर रखना स्टार्ट किया है। अदरक लहसुन तो मैं हमेशा से बाहर ही रखती थी, मुझे अभी तक डिफरेंस पता नहीं चला है, बट ऐसा मैंने पढ़ा कि टमाटर को आप बाहर रखोगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे ना एक जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरीज रख सकूँ। अभी जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरीज है वो मैं नीचे रखती हूँ पैंट्री के। तो मैं ना लिटरली घूमती रहती हूँ घर में कि किस कोने में कौन सी चीज़ रखी जा सकती है। तो हमारे गराज के सामने जो कैबिनेट है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक से ऑर्गेनाइज भी नहीं है, अभी काफ़ी फैला हुआ है वो। तो उसके एक सेक्शन को मैंने बिल्कुल एम्प्टी कर लिया है, इस वाले स्पेस को मैंने खाली कर लिया है और यहाँ पे एक रैक रख दिया है। तो सारा जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी है ना, मैं सोच रही हूँ उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लूँ। ऊपर सारे गार्बेज बैग्स रख दिए, इसके लिए भी मैं एक ट्रे या बास्केट ले आऊँगी। एक जगह रहता है तो इजी रहता है। यहाँ पे काफ़ी सारे गार्बेज बैग्स यूज़ करने होते हैं फूड के लिए अलग। ये वाला तो डिश वॉशर लिक्विड है, फिर ये है रिसाइकल, ये गार्बेज और ये क्लियर ट्रैश बैग्स।
और यहाँ पे आ गए हैं सारे बास्केट्स, बिग वाले ऊपर रख दिए क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा था, वैसे ये शेल्फ ना एडजस्ट हो जाते हैं, बट अगेन उसके लिए अनुज की हेल्प चाहिए होगी, बट अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बास्केट्स मैं डॉलर स्टोर से लेके आऊँगी ताकि यहाँ पे 3-4 रख दें, यहाँ पे भी रख सकते हैं और फिर और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। बट सो फार ये वाला स्पेस काफ़ी बढ़िया से यूटिलाइज हो गया है और साइड में मैंने आटे का बैग रख दिया है, यहाँ पे चावल का बैग भी रख सकते हैं, तो रैक रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस है। ये वाला बॉक्स ना अमेजोन से मैंने कोई लैम्प मंगवाया था तो उसमें आया था, ये इतना सही है ये कोई भी चीज़ रखने के लिए, ऊपर से ये ओपन हो जाता है, तो इसको मैं नहीं फेंकूँगी, इसको मैं अभी के लिए यहाँ रख देती हूँ। ये वाले लेबल्स मैंने अमेजोन से मंगवाए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो सोचो 3 साल पहले मंगवाए थे और अभी तक ये चल रहा है, तो काफ़ी सारे आते हैं। अराउंड 5 या 6 शीट का पूरा सेट था, $10 या $12 का, मैं देखूंगी अगर लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। लेबल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप जब भी पैंट्री में ऑर्गेनाइज करते हो अगर आप लेबल करते हो तो इट्स लाइक 1 step ahead, वो देखने में भी अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है, आपके अलावा कोई और अगर किचन में आ रहा है उसको भी बहुत इजीली सामान मिल जाएगा। मुझे लगता है घर के काम रिपीटेडली एवरी डे हम करते रहते हैं, कभी कभी इतना मोनोटोनस हो जाता है ना, तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से ना हम फन एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम किचन के काउंटर टॉप को भी सजा के रखते हैं, पैंट्री को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लेबल करके रखते हैं, तो इतना अच्छा लगता है ना कि जब भी आप पैंट्री का डोर ओपन करते हो ना, चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, तो ये जो सारी मेहनत होती है ना उस स्माइल के लिए इट्स वर्थ इट। इस तरह के शेल्फ डिवाइडर्स बहुत यूज़फुल होते हैं, आप पैंट्री में भी यूज़ कर सकते हो, किचन कैबिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास स्पेस है उसको और भी अच्छे से यूज़ करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बहुत काम आते हैं। अमेजोन पे अवेलेबल है, आइकिया डॉलर स्टोर में भी अवेलेबल है, ये ब्लैक वाला इनफैक्ट डॉलर स्टोर का ही है। सेम काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स को स्टोर करने के लिए इस तरह के लेजी सुजन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ये भी आपको हर एक जगह पर मिल जाता है। ये वाला डॉलर स्टोर का है, मैंने सारे ऑयल के बॉटल्स इसमें डाल दिए हैं। सो फार ये कुछ ऐसा लग रहा है, दालें जैसे पहले थी वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं किया है मैंने। यहाँ पे हैं सारे मसाले, ये भी मसाले कॉस्को वाले सारे डब्बे जो एक जैसे हैं ना स्पाइस के, वो साथ में रख दिए हैं। इधर हो गए स्नैक्स, ये सारे हैं नट्स, इस तरफ है मोस्टली सारे ब्रेकफास्ट आइटम्स और लंच बॉक्स आइटम्स, और इधर अगेन कुछ मसाले हैं, कुछ साबुत मसाले हैं, इसमें पापड़ रख दिया है, ये वाला ट्रे आइकिया से लिया था मैंने, इसमें है बाजरा आटा, इडली राइस और बासमती राइस। सारी बेकिंग की चीज़ें इस वाले बास्केट में एक साथ रख दी हैं, सोया चंक्स, कसूरी मेथी, ये सब फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं तो मैंने यहीं पर रख दिया है। मोस्टली सारा कुछ सेट हो गया है और अभी भी ये वाला पोर्शन पूरा एम्प्टी रखा है मैंने। मेरे पास ना ये वाला यूटिलिटी कार्ट रखा हुआ था, पहले ये ऑफिस में यूज़ होता था, अब ये यूज़ नहीं होता वहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको अगर पैंट्री में रख के और फिर सारे फ्रूट्स और जो भी वेजिटेबल्स मुझे बाहर रखने वो मैं इसमें ऑर्गेनाइज कर सकूँ, इसलिए मैंने नीचे का पूरा स्पेस एम्प्टी कर दिया है कि ये इजीली वहाँ पे सेट हो जाएगा। वैसे थोड़ा छोटा होता तो ज़्यादा बेटर होता, और छोटा वाला मैंने देखा भी था आइकिया में, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स भी हैं, बट ऑलरेडी ये है और ये कहीं और यूज़ नहीं होगा, इसलिए कोई पॉइंट नहीं है कि मैं नया लूँ।
तो लेट्स सी, इसको पहले क्लीन करते हैं और फिर इसको रख के देखते हैं, थोड़ी देर यूज करके देखते हैं कि कितना फंक्शनल हो पाता है। अभी के लिए मैंने सबसे ऊपर वाले ट्रे पे अदरक, इस वाले सेरेमिक जार में गार्लिक रख दिया है, यहाँ पे अनियन, अभी छोटे वाले आलू ही हैं तो यही रखें, जब भी आलू आएंगे तभी मैं इसी में रखूँगी क्योंकि अनियन को और आलू को दूर दूर रखना होता है। यहाँ पे है टमाटर और यहाँ पे फ्रूट्स। सो फार सो गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस तरह से भी ऑर्गेनाइज हुआ है, काफ़ी खुला खुला स्पेस है अभी भी, और इनकेस आगे जाके मैं पीछे वाले रैक पे या फिर नीचे कुछ रखती भी हूँ ना, तो बहुत इजीली ये कार्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि व्हील्स लगे होते हैं इस पे, और ये इजीली बंद भी हो जाएगा। पैंट्री तो क्लीन हो गई है बट उसके अलावा मैंने काफ़ी फैला लिया है तो ज़रा इसको साफ कर लिया जाए। ऑल क्लीन, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया और जैसा सोचा था, प्लान किया था वैसे हो गया, तो अच्छा लगता है कि वन टास्क अकम्प्लिश्ड, आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। अगर आपके पास भी छोटी पैंट्री है या फिर एक्स्ट्रा पैंट्री नहीं है, किचन में कैबिनेट्स नहीं है ऑर्गेनाइज करने के लिए, और डाइनिंग स्पेस में आपके पास जगह है, जैसे हमारे डाइनिंग स्पेस में जहाँ पे मैंने रैक लगाया है वहाँ पे इजीली एक कैबिनेट आ सकता है, तो उस तरह के आप कैबिनेट रख सकते हो, क्रॉकरी कैबिनेट रख सकते हो जो कि एक हाइट प्रोवाइड करता है, आप वुडन कैबिनेट यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रोसरीज बाहर से ना दिखे। इनफैक्ट ये डबल पर्पज़ सॉल्व करता है, एक सुंदर सा वुडन कैबिनेट या फिर ग्लास कैबिनेट एज अ डेकोर भी वर्क करता है, एक फर्नीचर आइटम होता है, अगर आप क्रॉकरी कैबिनेट हाइट में रखते हो तो आपके उस कॉर्नर को एक हाइट मिलती है, और आपके सारे एक्स्ट्रा ग्रोसरीज, क्रॉकरी या फिर स्पाइसेस जो भी आपके पास किचन में एक्स्ट्रा है वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे स्पेस में या फिर बड़े स्पेस में अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें तो डेफिनेटली स्पेस बन ही जाता है। अगर हम ऑर्गेनाइज करके ना रखें ना, तो कितना भी बड़ा स्पेस हो, पहले यही पैंट्री थी बट वो ऑर्गेनाइज नहीं थी तो लग रहा था स्पेस ही नहीं है, पूरा फैला हुआ था, और अब जब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया तो लग रहा है कितना ज़्यादा स्पेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी यूजफुल लगा, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हो, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल।